वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अक्षय कुमार के पास ढेरों मूवीज़ पड़ी हुई है, कोई कंप्लीट हो चुकी है तो किसी की शूटिंग चालू है। उनकी इस लंबी सी लिस्ट में से आज मैं बात करने वाली हूँ बेल बॉटम की। गुड न्यूज़ ये है कि इसकी रिलीज डेट आ चुकी है। अभी आपको कब देखने को मिलेगी, OTT पर आएगी या फिर थिएटर्स में, इसी बारे में आज मैं बात करूंगी। तो ये अपडेट जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, ऐसा है कि मूवी बहुत टाइम से बन के रेडी है, लेकिन र्यूमर्स भी बहुत सुनने को मिले हैं, जैसे कि ये मूवी OTT पर आएगी, फिर सुनने को मिला कि ये मूवी थिएटर में आएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी OTT की डील हुई थी Amazon Prime के साथ, जो कि बाद में कैंसिल हो गई। और अब खबर निकल के आ रही है कि मूवी हमें थिएटर्स में देखने को मिलेगी। तो अक्षय कुमार के फैंस, आप लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। ये मूवी जल्दी आपको थिएटर्स में देखने को मिलने वाली है और इसकी जो रिलीज़ डेट निकल के आई है वो है 27 जुलाई। मेकर्स इसे 27 जुलाई को रिलीज़ करने का बोल रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये जो 27 जुलाई डेट है वो खटकती भी है, क्योंकि बॉलीवुड वाले अपने मूवीज़ वीकेंड्स पर लाते हैं ताकि लोग फ्री रहें, अपना वीकेंड नई मूवीज़ के साथ एंजॉय कर सकें। लेकिन 27 जुलाई को है मंडे, और दूसरी बात कि थिएटर्स भी पूरी तरीके से खुले नहीं हैं। हाँ, महाराष्ट्र में खुले हैं थोड़े, लेकिन पूरे इंडिया का क्या? तो कहीं ना कहीं मुझे 27 जुलाई की रिलीज़ वाली बात थोड़ी अटपटी सी लग रही है। डाउट करना तो बनता है फ्रेंड्स। सूर्यवंशी को देख लो, कब से बन के रेडी है, लेकिन थिएटर्स नहीं खुले हैं, इसलिए 2 साल से लटकी पड़ी है। ऐसे में बेल बॉटम के मेकर्स किस बेसिस पे 27 जुलाई को रिलीज़ करने का बोल रहे हैं, ये वही जाने। लेकिन अब जो भी हो, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये मूवी थिएटर्स में आए, बिकॉज ऐसी मूवी जो है ना वो बड़े पर्दे पर ही अच्छी लगती है। तो अब देखना ये है कि इन लोगों की ये बात कितनी सच होती है। तो फ्रेंड्स, यही कुछ अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।